नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 1 से 4 जुलाई के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। 10वीं राशि लेते हैं, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। 1 जुलाई को आप ऐसे सिचुएशन में होंगे जहां आपका कोई कार्य या तो पूरा हो चुका है या पूरा होने की कंडीशन में आ गया है। इस सिचुएशन को एंजॉय भी कर सकते हैं और इसका लाभ भी उठा सकते हैं। इस सिचुएशन के बाद की परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। आपको चाहिए कि आप अपने ब्लूप्रिंट्स को ठीक से तैयार करें, आगे के प्लान्स को अच्छे तरह से बनाएं, जांचने और परखने के बाद थोड़ा सा एक गैप लेकर के नया कार्य शुरू करें। बिना गैप लिए, बिना विश्राम के नया कार्य ना शुरू करें, इससे हौच पौच की संभावना बढ़ जाएगी। इन सब के अलावा 1 जुलाई के दिन आप किसी पारिवारिक समस्या पर विजय जरूर प्राप्त कर लेंगे। 2 जुलाई का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दिन आप एक नई ऊर्जा में होंगे। इस ऊर्जा की वजह से आप अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने के बारे में काफ़ी अच्छे विचार सोचेंगे। इन विचारों पर अगर आप सही प्रकार से काम करें तो ऐसे विचार एक ऐसा आइडिया बन सकते हैं जो भविष्य में आपकी आय को बढ़ा दें, डबल कर दें या एक नया रास्ता खोल दें। इन सब के अलावा आपकी प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि होगी, परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा, लोग आप में दिलचस्पी लेंगे, पहले से ज़्यादा आपके मित्र भी बन सकते हैं। 3 जुलाई के दिन आप एक सुखद समाचार प्राप्त करेंगे। दूर रहने वाले किसी मित्र या रिश्तेदार से आपकी मुलाकात भी संभव है। इन सब के अलावा 3 जुलाई को आप थोड़ा स्वार्थी रहेंगे, लेकिन स्वार्थवश किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। 3 जुलाई के दिन आप अपनी इमेज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पजेसिव रहेंगे, बहुत सशंकित रहेंगे, शंकालु रहेंगे और बहुत सावधान भी रहेंगे। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी आपके लिए अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को लचीला रखें। जितना आप अपने आप को लचीला रखेंगे या अपने लचीलेपन को जिस प्रकार से आप बढ़ाएंगे, उस प्रकार से चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू होंगी और लोग भी आपके फेवर में आनी शुरू होंगे। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अकड़ दिखाएंगे तो लोग आपका विरोध जरूर करेंगे। 4 जुलाई के दिन आप एक स्टार की तरह शाइन कर सकते हैं। जब लोग आपके बारे में बातें करेंगे, आपके अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जाएगी। इस समय को आपको एंजॉय भी करना चाहिए और सावधान भी रहना चाहिए। सावधान इसलिए रहना चाहिए ताकि आप इस समय अपने अंदर बढ़ रहे अहंकार को समेट पाएं, दबा पाएं। अगर आप अपने अंदर के अहंकार को समेट नहीं पाएंगे तो आपकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी और ख़त्म हो जाएगी। ओवरऑल कैप्रिकॉर्न, ये 4ों दिन आपके लिए ठीक ठाक अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए भी 4ों दिन ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 1 से 4 जुलाई के लिए। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।